पैट्रियट वो लोग होते हैं जो कि अपने कंट्री के टुवर्ड्स डेडिकेटेड होते हैं। पोएम के स्टार्टिंग में पैट्रियट ने अपने उन दिनों को याद किया है जब वो लोगों के नजर में हीरो थे और एक साल के बाद वही लोग उनसे नफरत करने लगते हैं। तो आइए अब हम इस पोएम की हेल्प से इसे समझेंगे। सो नाउ लेट्स डिस्कस द एक्सप्लेनेशन। इट वॉज रोजेज रोजेज ऑल द वे विथ मर्टल मिक्स्ड इन माई पाथ लाइक मैड। इस लाइन की हेल्प से पैट्रियट ने बताया है कि जब वो विक्ट्री से आए होंगे या शायद जब उन्होंने कुछ अच्छा किया होगा तो लोगों ने उनके रास्ते को गुलाब और मर्टल के फ्लावर से सजा दिया था और लोग पागलों की तरह एक्साइटेड थे उन्हें देखने के लिए और उनसे मिलने के लिए। द हाउस रूफ सीम टू हीव एंड स्वे, द चर्च स्पायर्स फ्लेम, सच फ्लैग्स दे हैड, अ ईयर अगो ऑन दिस वेरी डे। यहाँ पोएट बताते हैं कि जब वो आ रहे थे तो लोग अपने छतों पर खड़े थे और वो लोग इनका इतना वार्म वेलकम कर रहे थे, वो इतना आवाज लगा रहे थे जैसे मानो कि घर की जो छतें हैं वो हिल रही हैं और वो मूव कर रही है। Here he prefers moving। और जैसा कि आपने देखा होगा कि चर्च के ऊपर जो पिरामिड शेप होता है जिसे हम स्पायर बोलते हैं उस पर भी लोगों ने झंडे लगाए थे। A year ago on this very day, और ये एक साल पहले की बात है जब पैट्रियट के साथ ऐसा हो रहा था। The air broke into a mist with bells, the old walls rocked with the crowd and cries। यहाँ पैट्रियट बताते हैं कि इतनी ज्यादा बेल्स की आवाज आ रही थी, इतनी ज्यादा घंटियों की आवाज आ रही थी जो कि मानो कि हवाओं में चारों तरफ फैल गए हो, और जो घर की पुरानी दीवारें थी वो उन क्राउड के आवाज से वो भी मानो हिल रही थी। एंड आई सेड गुड फॉग मेयर नॉइज रिपल्स बट गिव मी योर सन फ्रॉम योंडर स्काइज दे हैड आंसर्ड एंड आफ्टरवर्ड व्हाट एल्स। यहाँ पैट्रियट बताते हैं कि लोग उनको लेकर इतने ज्यादा खुश और एक्साइटेड थे कि अगर वो बोलते कि आप मुझे स्काई से सन को लाकर दो तो लोग जो है वो सन को भी लाकर देते और उसके बाद पूछते कि आपको और क्या चाहिए। इस स्टैंजा की हेल्प से हम समझ सकते थे कि लोगों के दिल में उस टाइम पे पैट्रियट के लिए काफी ज्यादा रिस्पेक्ट थी और वो उनका काफी वार्म वेलकम कर रहे थे। अलैक इट वॉज आई हू lived at the sun, alack is the expression of sadness। ये जो लाइन है वो एक स्टोरी से जुड़ी हुई है और वो स्टोरी है डेडलस और इकैरस की। डेडलस और इकैरस जो है वो फादर एंड सन थे। डेडलस जो थे वो फादर थे और वो दोनों जो थे वो क्राफ्टमैन थे। एक बार एक किंग ने उन दोनों को कैद कर लिया और वहां से बच निकलने के लिए डेडलस और इकैरस मिलके एक आर्टिफिशियल विंग बनाते हैं फेदर और वैक्स की हेल्प से। उन्हें ये एक्सपेक्टेशन नहीं था कि वो जो उनका विंग है वो इतना अच्छा काम करेगा और वो दोनों वहां से बच के निकल जाते हैं। डेडलस जो है वो इकैरस को मना किए रहते हैं कि आप ज्यादा सनलाइट की तरफ मत जाइएगा वरना ये विंग जो है वो मेल्ट हो जाएगा सन की हीट से। लेकिन जो इकैरस है वो एक्साइटमेंट में ये भूल जाते हैं कि इनकी जो विंग है वो वैक्स से बनी है और वो सनलाइट की तरफ चले जाते हैं। उससे क्या होता है कि सन की हीट से जो उनकी विंग है उसका जो वैक्स वो मेल्ट हो जाता है और उससे जो उनका विंग है वो टूट जाता है और विंग के टूटने के कारण इकैरस वहां से गिर जाते हैं और वो डायरेक्ट समुद्र में गिरते हैं जिससे कि उनकी मौत हो जाती है। यहाँ पैट्रियट यही बताते हैं कि कई बार हम एक्साइटमेंट में कुछ अच्छा करने के चलते ये भूल जाते हैं कि इसका परिणाम जो है वो काफी गलत हो सकता है। टू गिव इट माई लविंग फ्रेंड्स टू गिव, और यहाँ पैट्रियट बताते हैं कि वो जो भी एक्शन कर रहे थे वो अपने फ्रेंड्स के लिए और अपने लोगों के लिए कर रहे थे जिससे कि उनकी भलाई हो। नॉट मैन कुड डू हैव आई लेफ्ट अंडन, यहाँ पैट्रियट बताते हैं कि कोई भी नॉर्मल इंसान वो नहीं कर सकता था जो कि उन्होंने किया था। एंड यू सी माई हार्वेस्ट व्हाट आई रीप, दिस इज वेरी डे नाउ अ ईयर इज रन। और यहाँ पैट्रियट बताते हैं कि वो लोगों के बारे में अच्छा कर रहे थे और वो बोलते हैं कि देखिए मेरे साथ क्या हो रहा है अब, और ये एक साल पहले की बात है जब लोग उनका वेलकम कर रहे थे और आज एक साल बाद उनके साथ क्या हो रहा है। देयर इज नो बडी ऑन द हाउस टॉप्स नाउ,
इस लाइन की हेल्प से पैट्रियट बताते हैं कि जब वो आ रहे थे और लोग उनका वेलकम कर रहे थे तो उस टाइम पे हाउसटॉप पे बहुत सारे लोग थे, जैसे कि पहले के स्टैंजा में हमने देखा। लेकिन अभी क्या है कि अभी अपने छत पे कोई नहीं है, अभी अपने हाउस रूफ पे उन्हें देखने के लिए कोई नहीं है। जस्ट अ पैलसाइड फ्यू एट विंडो सेट। हियर पैलसाइड रिफर्स अ पर्सन हु इज अफेक्टेड विद पैरालिसिस, यानी कि अब उनके वेलकम करने के लिए कोई नहीं है अपने हाउस टॉप पे और बस विंडो सीट पे वो लोग हैं, खिड़कियों पे बस वो लोग ही हैं जो कि चलने में एबल नहीं है, जो कि पैरालाइज्ड हैं। और द बेस्ट ऑफ द साइट इज ऑल अलाउ। हियर ऑल अलाउ रिफर्स कि जो भी हो रहा है वो सारे लोगों की मर्जी से हो रहा है और सारे लोग जो है वो बेस्ट साइट ढूंढ रहे हैं जहां से जो आगे होने वाला है और वो उन्हें अच्छी तरीके से दिख सके। एट द सैम्पल्स गेट और बेटर येट बाय द वेरी स्कैफोल्ड्स फुट आई ट्रो। सैम्पल्स वो प्लेस होता है जहां पे पैट्रियट को जो है वो पनिशमेंट दी जाने वाली है और स्कैफोल्ड जो है वो प्लेटफॉर्म है जहां पर पैट्रियट को पनिशमेंट दिया जाएगा। तो लोग जो है वो कंफ्यूज है कि क्या उन्हें शैम्बल्स गेट पर जाके देखना चाहिए चीजों को। वो इतने एक्साइटेड है वो देखने के लिए पैट्रियट के पनिशमेंट को देखते हुए, इसलिए वो बोल रहे कि क्या उन्हें स्कैफोल्ड जहां की पैट्रियट को फाइनल पनिशमेंट दिया जाने वाला है वो जस्ट उसी के नीचे चले जाएंगे ताकि वो अच्छे से सारी चीजों को देख पाएंगे। इस स्टैंजा की हेल्प से हम समझ सकते हैं कि लोगों के अंदर जो है वो पैट्रियट को लेकर काफी गुस्सा है, तभी जो लोग हैं वो उनके पनिशमेंट के सीन को देखने के लिए इतने ज्यादा एक्साइटेड हैं। आई गो इन द रेन एंड मोर देन इट्स अ रोप कट्स बोथ माय रिस्ट बिहाइंड। यहाँ पैट्रियट बताते हैं कि जब लोग उन्हें पनिशमेंट देने के लिए ले जा रहे हैं तब बारिश हो रही है और लोगों ने जरूरत से ज्यादा टाइट उनके हाथ को बांध दिया है रस्सी से और जिससे उनका रिस्ट जो है वो कट गया है। एंड आई थिंक बाय द फील माय फोरहेड ब्लेड्स फॉर दे फ्लाइंग हूएवर हैज अ माइंड स्टोन्स एट मी फॉर माय इयर्स मिस्टेक्स। यहाँ पैट्रियट बोलते हैं कि उन्हें फील हो रहा है कि उनकी फोरहेड से भी जो है वो ब्लीडिंग हो रही है क्योंकि लोगों ने उनके ऊपर पत्थर फेंका है। यहाँ जो एक लाइन है Whoever has a mind, वो रिफर्स करता है वैसे लोगों के बारे में जिन लोगों के दिमाग में पैट्रियट को लेकर काफी गुस्सा है और उन लोगों ने तब उनके ऊपर पत्थर फेंक के उनको मारा है। Thus I entered and thus I go। यहाँ पैट्रियट बताते हैं कि जब वो यहाँ आए थे तो लोगों ने उन्हें काफी रिस्पेक्ट दिया था और काफी उनका वार्म वेलकम किया था, लेकिन जब वो जा रहे हैं तो काफी इंसल्ट लेकर जा रहे हैं। In triumphs, people have dropped down it. यहाँ पैट्रियट बता रहे हैं कि उन्होंने जो भी ट्राई किया था अपने लोगों की भलाई के लिए वो शायद कुछ गलत उसका परिणाम निकला था जिससे कुछ लोगों की जाने गई थी, जिसके वजह से अब लोगों के मन में काफी गुस्सा है। Paid by the world, what those though owe me, God might question now instead. These God shall repay. I am suffer so. यहाँ पैट्रियट बताते हैं कि पूरी वर्ल्ड ने अब उन्हें पनिशमेंट दे दिया है और यहाँ पे वो अपनी पॉजिटिव थिंकिंग को दिखाते हैं और वो बोलते हैं कि मुझे अब लोगों ने पनिशमेंट दे दिया है, अब मुझे भगवान पनिश नहीं करेंगे और उसके बदले वो उनसे पूछेंगे कि अब तुम्हें लोगों ने पनिशमेंट दे दिया है तो अब मैं तुम्हें क्या पनिशमेंट दूँ।